पूछ रहे हैं कि अमंग द फॉलोइंग मार्क्ड प्रोटोन ऑफ विच कंपाउंड शोज लोएस्ट पीके वैल्यू वट इज द मीनिंग ऑफ लोएस्ट पीके वैल्यू मींस मोस्ट एसिडिक तो आपको पहचानना है इसमें से मोस्ट एसिडिक कौन सा है मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा कंपाउंड जो एच प्लस आयन रिमूव करने के बाद जो कॉन्जुकेट बेस बचेगा ना वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें वही सबसे ज्यादा एसिडिक होगा तो देखते हैं सबसे पहले अगर आपने एसिडिक एसिड acid, ए वाला कंपाउंड एसिटिक एसिड में से सी एस थ्री ग्रुप में से एक प्रोटोन को अलग किया इस प्रोटोन को अलग किया है ना तो उसको निकालने के बाद क्या होगा इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा है ना और ये नेगेटिव चार्ज क्या है फिर रेजोनेंस तो होगी इसके अंदर लेकिन क्रॉस रेजोनेंस होगी क्रॉस रेजोनेंस क्या होती है क्रॉस रेजोनेंस केमिस्ट्री का वो फिनोमिना है जिसमें दो ग्रुप्स हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में रेजोनेंस शो करते हैं और वो कैंसिल आउट हो जाती है तो इसके कारण अल्टीमेटली क्या होगा डी इफेक्ट होगा ठीक तो है तो क्रॉस कॉन्जुगेशन या क्रॉस रेजोनेंस एक फिनोमिना है जिसमें रेजोनेंस क्या होती है फ्रॉम टू ग्रुप्स इन अपोजिट डायरेक्शंस कैंसिल आउट ओके okay, तो ये तो हो गया लेस स्टेबल फर्स्ट वाला सेकंड वाला एसीटोन में से अगर आपने एक एच प्लस एन रिमूव किया है तो नेचुरली कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया और आपको पता है कार्बन कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है उस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल कभी नहीं होगा है ना फिर भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो शो करता है एक एक बार जो कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पर जा सकता है बट इट इज स्टिल नॉट एसिडिक एसिटोन इज नॉट एस्टे नाइनटीन पॉइंट कुछ है इसका पी के वैल्यू काफी ज्यादा है फिर आता है हमारा सी सी में देखो जो इसमें इस कार्बन के ऊपर आपने ये प्रोटोन को रिमूव किया तो जो नेगेटिव चार्ज आया है ना ये एक्सटेंडेड रेजोनेंस शो करेगा मतलब इसमें जो रेजोनेंस है वो इस बेंजीन की रिंग में भी हो सकती है और ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन है इसका डबल ये देखो इस तरह से ये वाला एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बिकॉज ऑफ द एक्सटेंडेड रेजोनेंस पॉसिबल इन दिस सी कंपाउंड इट इज मोस्ट स्टेबल कॉन्जुकेट बेस वाले में भी देखते हो तो अपना ऑप्शन तो सी सही आ गया यही सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि डी में भी क्या होगा बहुत स्टेबल नहीं है क्रॉस कॉन्जुकेशन है उसके अंदर भी ये देखो ये इसके कारण ये क्रॉस कॉन्जुकेशन होने के कारण ये जो है डिस्टेबल हो गया ये वाला डी वाला भी ठीक है तो आपको समझ में आया एक्सटेंडेड कॉन्जुकेशन और क्रॉस कॉन्जुकेशन कैसे डिसाइड करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुकेट बेस एंड दे डिसाइड द एसिडिटी ऑफ द कंपाउंड आफ्टर रिमूविंग एच प्लस प्लसायन कितना स्टेबल कॉन्जुकेट बेस है वो डिसाइड करेगा कौन ज़्यादा एसिडिकी है किसकी लोएस्ट पी के ए वैल्यू है तो सी ऑप्शन इज करेक्ट